महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है: धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 04600100006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 5020006363742, IFSC कोड HDFC 000 1453, ब्रांच कालदा कॉर्नर चेतना नगर औरंगाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 4070166 1398, IFSC कोड SBIN 00115114, ब्रांच गारखेड़ा औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। पद्मनाथ बोलो जय पद्मनाथ, बोलो जय जय पद्मनाथ। महान भवो, सायकाल में भगवान को निर्वाण हुआ। लोग कहते हैं कि सायकाल पूजा नहीं करना, जब सायकाल को निर्वाण होगा तो क्या होगा। संपूर्ण देवों ने ही इंद्रों ने आकर भगवान की तुरंत निर्वाण करने की भव्य पूजा की, निर्वाण डाडू उनको चढ़ाया और उनकी महा आराधना की। आचार्य कहते हैं कि सेवा करने योग्य क्या है, तो जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है, ऐसे लक्ष्मी के स्वामी पद्म भगवान के चरण ही सेवन करने के योग्य है। सुनने योग्य क्या है, तो तीर्थंकर भगवान की वाणी ही सुनने के योग्य है। जिन्होंने सारे संसार को मोक्ष मार्ग बताया, उनकी वाणी सुनने योग्य है। उनके ध्यान से अपना कल्याण होता है, उनकी स्तुति करने से हमारी रक्षा होती है। जो पहले सुशीव नगरी के अधिपति थे और अपराजित नाम के राजा हुए, तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया, अंतिम विवेक में हेमेंद्र बने, वे कौशाम्बी नगरी में अनंत गुणों के साथ में वहां यहाँ पर आकर के छठ में तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु हुए और पद्म प्रभु तीर्थंकर भगवान ने सारे संसार को सुख का मार्ग दिखाया, सच्चे सुख का मार्ग दिखाया, मोक्ष का मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया। आज भी जो ऐसे पद्म प्रभु भगवान का ध्यान करता है, उसके सारे दुख संकट पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान पद्म प्रभु जी को हम अनंत बार नमन और वंदन करते हैं। जय जय पद्मनाथ बोलो जय जय पद्मनाथ, जय पद्मनाथ बोलो जय जय पद्मनाथ। देवों के आसन कम पाए, प्रभु का मोक्ष कल्याण मनाए। जय पद्मनाथ बोलो जय जय पद्मनाथ, लड्डू चढ़ा करे मोक्ष मनाए। प्रभु की जीवन सम बन जाए, जय पद्मनाथ बोलो जय जय पद्मनाथ। पद्म ने लक्ष्मी स्थान बनाया, प्रभु के चरण युगल को ध्याया। जय पद्मनाथ बोलो जय जय पद्मनाथ, पद्म प्रभु को कमल चढ़ाए।
इनका चिन्ह कमल कहलाए। जय पद्मनाथ बोलो, बहुत जय सुंदर। जय पद्मनाथ। यक्ष यक्षिणी हरदम ध्याए, क्षेत्रपाल अतिशय फैलाए। जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ। जय जय पद्मनाथ पद्मनाथ बोलो। बोलो, जय जय पद्मनाथ। धर्मिष्ठ महान भवों, भगवान पद्म प्रभु जी के जो यक्ष हैं वह कुमार यक्ष हैं और मनोवेगा उनकी यक्षिणी हैं और उनके क्षेत्रपाल भी हैं। वे क्षेत्रपाल जो आज भी सारे संसार में भगवान का शासन फैलाते रहते हैं, ऐसे क्षेत्रपाल जिनके नाम हमारे आचार्यों ने बताए हैं, कालचंद्र, कल्पचंद्र, कुमुदचंद्र और कुमुदचंद्र, इस तरह से चार क्षेत्रपाल और कुमार, पुष्प, पुष्प उनके यक्ष हैं, कुसुम यक्ष हैं, मनोवेगा मोहिनी उनकी यक्षिणी हैं और उनका पद्म चिन्ह कमल है, पद्म स्वर्ण कमल, जैसे लाल कमल होता है ऐसा पद्म उनका चिन्ह है। ऐसे भगवान पद्म प्रभु आज भी पूजे जा रहे हैं और जब तक यह हुंडा और सपने काल चलता रहेगा, उनकी स्तुति पूजा जो करेगा वो संपूर्ण दुख का नाश करके सात्वत सुख की प्राप्ति करेगा, ऐसा हमारे आचार्य बतलाते हैं। ऐसे भगवान पद्म प्रभु जी का हम निरंतर ध्यान लगाते हैं। इनका वर्णन उत्तर पुराण में कुणभद्राचार्य जी ने किया है, हरिवंश पुराण में जिनसेनाचार्य जी ने किया है और भी अनेक मुनियों ने, कवियों ने इनके ऊपर लिखा है। उसमें से थोड़ा सा आपके बीच में लेकर के आया हूं कि हम अपने तीर्थंकरों के चरित्र को, व्यक्तित्व को जाने और अपने तीर्थंकर के चरित्र का ध्यान लगाकर उनके समान हम बने, यही कामना के साथ। जय जय पद्मनाथ पद्मनाथ बोलो, बोलो, जय 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 पद्मनाथ। पद्मनाथ। जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ। चारों ग्रति के प्राणी ध्याए, निर्मल सम्यक प्रभु से पाए। जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ। ओम रीम श्री पद्म जिनाय, ओम रीम श्री सर्व जिनाय। जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ। जय जय पद्मनाथ पद्मनाथ बोलो, बोलो, जय 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 पद्मनाथ। पद्मनाथ। पद्म प्रभु को शीश झुकाए, चित पद्म में प्रभु को बसाए। जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ। जय जय पद्मनाथ पद्मनाथ बोलो। बोलो, गुप्ति जय जय पद्मनाथ। गुरु को वंदन करते, गुरु की रज हम अब सिर धरते। जय गुरुदेव बोलो, जय जय श्री गुरुदेव।